इंदौर जिले के देपालपुर समीपस्थ ग्राम मुंडला कमला सीमा क्षेत्र में युवक का शव पुलिया के नीचे मिला है। जहां शव पड़ा हुआ था उसके आसपास खून बिखरा हुआ था। पुलिस को हत्या की आशंका है। FSL के अधिकारियों और पोस्टमार्टम परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही खुलासा किया जाएगा। देपालपुर SDOP आशुतोष मिश्रा ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिली कि मुंडला कमला से खिमलावदा ग्राम की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर पुलिया के नीचे नहर में युवक का शव तैर रहा था। इसके बाद इंदौर FSL अधिकारी BL मंडलोई को लेकर SDOP आशुतोष मिश्रा तथा और थाना प्रभारी मीणा कर्णावत घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पानी से शव को बाहर निकालकर परीक्षण किया तथा घटनास्थल के आसपास जाकर शव की शिनाख्त शाहिद अली पिता मोहम्मद अली उम्र 27 वर्ष निवासी मुंडला कमला के रूप में हुई है। देपालपुर से संवाददाता की रिपोर्ट। ये जो बनेड़िया और मुंडला के पास जो नहर है खेतों के किनारे गांव से बाहर है, यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये डेड बॉडी मिली है, पानी में डूबी हुई है। अभी इसको FSL से निरीक्षण करवा लिया है और इसको निकलवा के देख रहे हैं। तो ये मुंडला के निवासी शाहिद अली, इनका नाम मालूम चला है मृतक का। अब इसका डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इंस्पेक्शन तो प्रारंभिक कर लिया है, इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे क्या कार्रवाई होती है। और पुलिस ने जांच में ले लिया है, जांच शुरू कर दी है मर्ग जांच में, तो आगे विवेचना इसकी करेंगे। सर जो खून नहीं, अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी इसका FSL के परीक्षण के बाद और पोस्टमार्टम के बाद और बारीकी से जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा तभी कुछ कह सकते हैं। पानी में है तो कुछ भी कह अभी कहा नहीं जा सकता, प्रारंभिक दौर में है काफी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।